फिल्म का नाम है हल्फा मचा के गैल। ये अपना भोजपुरी फिल्म है और जो हीरो है इसका राघव है, शिप्रा है और हमारे दोस्त है रमेश नय्यर, उन्होंने बनाई है। और वो बड़े जोश से, बड़े प्यार से, किसी चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने फिल्म मेकिंग में भी। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि देखिए, हम कुछ एक्टरों ने, मैंने भी हमारा फर्ज बन जाता है कि नया लड़का नई लड़की आती है ना, तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। अभी हम लोगों ने तो किचन चलानी नहीं है, लेकिन अपना एक आशीर्वाद देने के लिए हमसे चाहे थोड़ा सा भी पिक्चर में फ़र्क पड़ेगा तो भाई 10 आदमी आते तो 11 आ जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारक हो, बड़ा अच्छा काम किया है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि ये नए लड़के और लड़की की उस जोड़ी को पसंद करें और फिर बार बार जोश से बनाएंगे पिक्चर। और हमारे लिए जो भी सेवा होगा हम साथ में करेंगे, अपने बच्चे ही हैं। और राघव जो लड़का है वो भी बड़ा टिपिकल जो होता है ना कॉलर खड़ा करने वाला, मतलब तो बड़ा अच्छा है लड़का, बड़ी मेहनत की है उसने। और मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आप लोग थिएटर विजिट कर रहे हैं एक के बाद एक, भोजपुरी फिल्म है, किस तरह की ऑडियंस की रिएक्शन, किस तरह की चीज़ें लोगों से आप लोगों को मिलेंगे जब आप फैंस के बीच जा रहे हैं, थिएटर्स में जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि रणवीर साहब ने कहा, एक नई जोड़ी है, राघव जो नया लोग का हीरो है, हीरोइन नहीं है, प्रोड्यूसर बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत शोमैन है, और रमेश नय्यर जी जो फिल्म ने भी बहुत अच्छा खर्चा किया और पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है और फिल्म अच्छी बनी है। और यही वजह है कि हम लोग दुआएं दे रहे हैं, दोनों भाई आज निकले हैं। और पब्लिक का रिएक्शन जो है, पब्लिक का रिएक्शन, सीटियां बजा रहे थे, हमने देखा है, हम गए बॉम्बे साइड, हम मेरा चुपके से पर्दे के पीछे जा खड़े हो गए थे ताकि पब्लिक डिस्टर्ब नहीं हो, तो हंस भी रहे थे, सीटी भी बजा रहे थे, पब्लिक का रिएक्शन। जब थिएटर में सीटी बजती है तो आई थिंक इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। अब चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, फिर भी मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है इंशाल्लाह अच्छी चलेगी और ये दोनों जोड़ी जो है बहुत आगे जाए, इसी दुआएं दे रहे हैं हम लोग। रंजीत जी जो मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया ना कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया है, लड़का बड़ा अच्छा है और उन्होंने अपने अपने किरदार बड़ी अच्छी तरह निभाए हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा तो अभी इस वक्त इस उम्र में यही है कि वो अपना बच्चा है, उसके लिए हमें जो भी जितना भी सपोर्ट चाहे तिनके का सारा होता है ना, वो भी बहुत होता है। और जैसे मैंने तो मिसाल दी ना कि अगर 10 आने वाले होते हैं तो हम लोग अगर आ जाते हैं, अली भाई हैं, हम हैं, प्रेम चोपड़ा साहब हैं, रजा मुराद साहब हैं, हमने अपनी तरफ से इस बच्चे के लिए पूरा कोशिश की है कि इसकी पिक्चर कामयाब हो और हमारी तरफ से जितना भी योगदान है वो काम आएगा। अरे भाई, कहा ये जा रहा है कि फिल्म भोजपुरी भले की भाषा में बनाई गई, लेकिन इसकी जो मेकिंग है, लेवल है, वो हिंदी की तरह बनाई गई है, चाहे वो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हो या फिर बाकी चीजें हो, लोकेशंस हो, आप जैसे बड़े आर्टिस्ट लोग हो, इस बात से कितना इत्तेफाक है? यस यस, बिल्कुल सही कहा। जो भी हम लोग फिल्में देखी, हीरो ने बड़ा अच्छा काम किया, हीरोइन ने बड़ा अच्छा काम किया, लोकेशन बड़े अच्छे हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ऐसा लगेगा नहीं आपको? लगता नहीं कॉम्प्रोमाइज किया है कहीं कहीं भी, कोई कॉम्प्रोमाइज म्यूजिक में भी नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, बड़ा अच्छा म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छी है, तो होगा, बात बनेगी। पिक्चर में जो मसाला चाहिए वो है, वो है। हिंदी स्टार्स की जो गैलेक्सी देखी गई, इसमें गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जिसमें से बड़े दिग्गज आर्टिस्ट दिखाई दिए, ये भोजपुरी फिल्म के लिए कुछ नई चीज है रंजीत जी, आप कितना मानते हैं कि इससे फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा होगा? देखिए, मैंने बोला ज्यादा हो या कितना, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी कि 10 आदमी अगर आने वाले हैं भोजपुरी फिल्म में, अगर हम लोग होते हैं तो 11 तो आ ही जाएंगे ना, तो फायदा ही होता है ना। और वो पिक्चर अच्छी होगी तो अपने दम पे चलेगी, बहुत चलेगी, वो हमें पूरा भरोसा है। और हमने काम भी इसीलिए किया है और हम अपना आशीर्वाद भी ब्लेसिंग को, इस नए कपल को और हमारा दोस्त जो रमेश नय्यर है, जिन्होंने अपने पूरी जितना भी उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, पैसा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पिक्चर को पूरा जस्टिफाई किया है। आई थिंक एक फिल्म के लिए ऐसा एक बाप मिल जाए जो हर चीज पूरी कर दे, तो उसके लिए तो कुछ पीछे रहने वाली बात नहीं होती है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है और बाकी जनता के हाथ में, आप लोग जितना प्यार देंगे पिक्चर चलेगी। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज भोजपुरी में? रंजीत जी भोजपुरी बड़ी मीठी बोलते हैं। अरे क्या कहते हो यार, हम भोजपुरी तो बोलते हैं, अब याद करते हैं, बोल देते हैं, समझे नहीं, मीठी भोजपुरी तो मीठी होती है और पंजाबी के मुंह से तो वैसे ही मीठी निकलती है, तो पंजाबी अपनी माँ बहन की निकाल देता बाहर तो मीठी निकलती है।
ऑडियंस ये फिल्म देखे और इन बच्चों को दुआएं दे, ये फिल्म चले और हम सब गार्जियन के साथ खड़े ऐसी दुआएं करने के लिए यहाँ तक पहुँचे, आप सबका सपोर्ट चाहिए। अच्छा नीत सर, अभी मुझे बताया गया है कि पटना भी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, रजमराज साहब जा रहे हैं, दिखाई जा रहे हैं, कुछ बताएंगे ऑडियंस को कहाँ कहाँ प्रमोट की जाएगी? कहाँ का क्या? पटना में कैसे प्रमोशन होंगे? पटना में हम तीन दिन है, पूरा जा रहा है, हर नुक्कड़ में कोने में पहुंचेंगे, बिहार को बताएंगे कि ये पिक्चर आई है और ये वहाँ के देखेंगे, आशीर्वाद देंगे और अपनी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो पिक्चर को चाहिए वो दे रहे हैं। अभी जमाना बदल गया, अभी टीवी का जमाना आ गया और ये मीडिया बदल गया है, बोर्ड होर्डिंग्स और ये वो चेंज हो गया है और अभी डायरेक्टिंग इंटरेक्शन है। हम तो 400-500 पिक्चरों में काम किया है लेकिन पिक्चर पिक्चर होती है वो, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मैं तो हिंदुस्तान की हर पिक्चर में काम किया, हर लैंग्वेज में काम किया, यहाँ तक कि गुजरी लैंग्वेज है वो भी नहीं छोड़ी मैंने, वो भी की है नो। अभी लेटेस्ट मैंने की थी ये मेघालय में अपनी, ये क्या बोलते हैं, नेपाली फिल्म भी की है। तो पिक्चर पिक्चर होती है और उसके ऊपर अगर पब्लिक का थोड़ा आशीर्वाद साथ में मिल जाए और एंटरटेनिंग है, तो आज पब्लिक को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो सब इसमें है। बस आप टिकट की परवाह मत करो, थिएटर में पहुंच जाओ, देखो जाके मिल रहा है, सब लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उनको अच्छी लग रही है फिल्म, बहुत अच्छी लग रही है लोगों को, मतलब लोगों का रिस्पांस, जैसे हमने कोशिश करी है कि पिक्चर नहीं अच्छे तरीके से बनाए तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और एंटरटेनिंग लग रही है, लोग बोल रहे हैं दोबारा दोबारा शो देखने जा रहे हैं। अच्छा राघव, ये आपकी पहली फिल्म है? हाँ जी। आपकी फिल्म रिलीज होकर 2 दिन हुए हैं, आपके दोस्त जो होंगे इंडस्ट्री में जिनके साथ आप पहले पार्टी करते रहे होंगे, मिलते रहे होंगे, उनसे कोई प्रतिक्रिया जो कि आप बताना चाहें, किसी ने बहुत अच्छी बात कही हो या किसी ने बहुत बुरी बात कही हो? सबने अच्छा ही बोला, बुरा इस सेंस से बोला कि मैं कुछ सीख सकूं, जैसे किसी ने बोला कि जैसे थोड़ा मेरे को एक्शन में डांस में थोड़ा और करना चाहिए, हाँ ठीक है, मैंने पहली फिल्म करी है 100% दिया, अब उसका जो मेरे को रिएक्शन मिलेगा वो मेरे लिए ही अच्छा है, अच्छा भी मिले बुरा भी मिले तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस है कि मैं एक क्रिटिसाइज हो सकता हूँ उस चीज को, मैं उस चीज को अच्छा सा कर सकता हूँ। सरप्राइज फिल्म में आप सिगरेट पीते हुए नजर आई है, सिगरेट आपको मतलब कोई परेशानी नहीं पता? बहुत हुई थी क्योंकि एक सिगरेट नहीं बार बार पीनी पड़ रही थी क्योंकि वो बंद हो रही थी बार बार। सिगरेट आपने पिया था? कितना पिया था बताइए, आपने पिया है? राघव आपने भी पिया था इसमें? हाँ मैंने तो सिर्फ 2 टेक दिए उसमें, हो गया बाकी नहीं, सब नहीं, इससे साबित होता है कि असल जिंदगी में सिगरेट नहीं पीती है, इससे ये साबित होता है कि असल जिंदगी में शिप्रा जी सिगरेट नहीं पीती, पीती है नहीं। राघव आप किसी में नहीं, नॉन स्मोकर को तो तकलीफ हुई होगी? हाँ बिल्कुल, आप हमारे अगर डायरेक्टर साहब होते बताते कितनी मुश्किल से मेरे को उसको दिक्कत हुई स्मोक करने में, पर इनको एक्सपीरियंस था शायद पहले, इन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से नहीं, मैंने एक फिल्म में ऐसा रोल किया था बहुत पहले इसलिए मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन हाँ इस बार बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसा क्या कर था आपको सिगरेट पीना पड़ा था? वो तो फिल्म देखनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। शौक बस या हीरो को फंसाने के लिए? मैं उसको नहीं फंसा रही हूँ, वो मुझे फंसा रहा है इस फिल्म में। लेकिन सिगरेट तो आप मांग रही है फिल्म में? क्योंकि मुझे सिगरेट पीनी थी। नय्यर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? यार उन्होंने इतनी अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की है और डेफिनेटली बहुत कोशिश कर रहे हैं, पब्लिसिटी इतनी अच्छी हो रही है, इतनी सारी जगह रिलीज हो गई है, थैंक यू सो मच। राघव और इससे पहले अल्फा मचा के गई से पहले आपकी क्या पहचान थी, क्या करते थे आप, क्या उससे पहले की लाइफ के बारे में क्या बताते हैं? स्टार्टिंग में मैं 12th करके मेरे को मतलब शुरू से शौक था एक्टिंग का, तो 12th करके मैं बॉम्बे आया, उसके मैंने एक्टिंग कोर्स करा आशा चंद्रा जी से, उनका इंस्टीट्यूट है जूहू में, तो वहीं से मैंने सोच लिया था यार मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहूंगा, तो मैंने फिर 1-2 सीरियल में एपिसोड्स किए, लेकिन उसके बाद फिर मेरे पापा ने बोला कि एक फिल्म बनाना चाहता हूँ तेरे साथ, मैं पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि मैं एक रीजनल फिल्म कर सकता हूँ जो मेरे से पूरा हटके एक टास्क है, तो उसके लिए मैंने फिर मैंने वर्कशॉप्स करी, फिर करते करते आज आप देख सकते हैं पिक्चर पूरी बन गई है और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा, तो एक मेरे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट बोल सकते हैं। मतलब फिल्म करने से पहले पूरी तैयारी की, पूरा होमवर्क किया, सब कुछ खुद को रेडी किया? हाँ जी हाँ जी, और जरूरी है करने के लिए क्योंकि आज के टाइम पे आपको ऑलराउंडर होना जरूरी है, आप पिच पे उतर रहे हो तो आपको डिफेंस भी आना चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए, क्रिकेट में सब कुछ आना चाहिए आपको, एक क्रिकेट टाइप की गेम है ये, आप पिच पे उतर रहे हो आपको बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ आना चाहिए। इस इंडस्ट्री में किसको बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं आप, किसके सामने आप कॉम्पिटिट कर रहे हैं? सर मैं किसी को कॉम्पिटिटर में ऐसे नहीं लेता हूँ सर, मैं सबसे सीखना चाहता हूँ, सबसे सीख रहा हूँ,
और मैं सबसे वही चाहूंगा अगर वो भी मुझे कुछ राय दे तो मैं सीख ही सकता हूँ, मैं किसी को कंपटीशन में नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं, आपने फिल्म देखी भोजपुरी फिल्म, ये करने से पहले भोजपुरी फिल्म? हाँ जी सर, मैंने देखी, मैंने चार पिक्चरें देखी थी, साधन चले ससुराल देखी थी, निरहुआ चलल निरहुआ सटल रहे देखी थी, तो मैंने निरहुआ सर की और पवन सर की फिल्म देखी थी और खेसारी की पिक्चर देखी थी। तो इसलिए देखी क्योंकि मैं वर्कशॉप कर रहा था तो मुझे उस चीज़ के प्रोनाउंसिएशन करना जरूरी था, तो इसलिए मैं फिल्म देख रहा था, लेकिन एज अ कॉम्पिटिटर के तरीके से मैंने नहीं देखी। आप किसी के एक्टिंग के आप एक्टिंग से आप इम्प्रेस हुए या फिर आपको लगा कि नहीं मैं इनको एडमायर करता हूँ? भोजपुरी की मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग में मैं सबकी सीख के और मैं एक एक चीज सबसे सीखने को मिली है, पर्टिकुलरली मैं किसी का से नाम नहीं लूंगा। थैंक यू। शुप्रा, आप क्या कहना चाहते हो, आप इससे पहले क्या पहचानते हैं? आपने कहा कि फिल्म आप कर रहे थे, कुछ बता रहे थे जी? मैंने साउथ में 4-5 मूवीज की हैं, तो भोजपुरी मेरे लिए फर्स्ट फिल्म थी। बॉलीवुड से सीधा भोजपुरी? ऐसा नहीं है, बट ये एक बहुत बड़े लेवल पे बनने जा रही थी जिसमें ऑलरेडी बॉलीवुड के इतने सारे लोगों ने काम किया है, तो व्हाई नॉट, अगर कुछ अच्छा बनेगा तो डेफिनेटली करेंगे। राघव, आपने भोजपुरी सीखी इस फिल्म के लिए? हाँ जी सर, जैसे मैं बोला मैं 2 महीने वर्कशॉप की उसके लिए, क्योंकि मुझे जितना भोजपुरी और हिंदी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी लिपि सेम है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन पकड़ने के लिए थोड़ा मुझे करना पड़ा। कुछ डायलॉग एक बोल के सुनाना चाहेंगे ऑडियंस को भोजपुरी में? अपने फिल्म का डायलॉग बोलता हूँ, पिता के मांग भरो तो दूर, अगर तुम्हार द्वार पूजा भी हो गई ना तो मान जाए की तुम मत। आप भी कुछ भोजपुरी में बोलना चाहते हैं? सॉरी, मुझे भोजपुरी में नहीं आता। आपको याद होगा मैंने हिंदी में बोला या किसी ने मुझे प्रमोट प्रॉम्प्ट किया था, एंड अभी तो उसके बाद मैंने 3 मूवी और कर ली है, तो मुझे उसका बिल्कुल भी डायलॉग याद नहीं है। राघव, आगे क्या प्लान है? आगे मैं यही चाहूंगा अभी बस, अगर अच्छे में देखो अच्छा कंटेंट अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा, मैं जरूर उसके भोजपुरी भी करना चाहूंगा, रीजनल फिल्म भी। मैं शुरू से एक चीज बोलता हूँ, मेरे लिए रीजनल फिल्म या हिंदी सब एक बराबर है, मैं फिल्म चाहे छोटी हो बड़ी हो सब काम करना चाहिए। भोजपुरी का सबसे नया हीरो कुछ ऑडियंस को कहना चाहता है? मैं सबसे यही कहना चाहूंगा फिल्म आप जरूर देखिए, क्योंकि हमने कोशिश करी है थोड़ा रूटीन फिल्मों से अलग बनाने की, एक बिल्कुल पारिवारिक फिल्म बनाई है, तो आप लोग ये फिल्म देखें और मुझे बताएं कि मेरी क्या क्या खामियां हैं और मैं क्या क्या इसमें अच्छा करके आपको और एंटरटेन कर सकूं। चित्रा, आपको लग रहा है फिल्म ने हल्फा मचा दिया, पूरा बवाल मचा दिया? डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत अच्छी चल रही है और अभी तो 2 डेज हुए हैं लग के यहाँ पे, सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, सब लोग जाके देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, होर्डिंग्स इतने बड़े बड़े लगे हैं बॉम्बे में, तो हल्फा तो मचा दिया। भोजपुरी में मेरे को लगाव है और भोजपुरी भाषा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं देखो बॉलीवुड का भी काम करता हूँ, इवेंट्स का भी काम करता हूँ, मैं किसी से मिलता हूँ तो लोग भोजपुरी के लिए सीधा बोलते कोई भी पिक्चर करा लो भोजपुरी मत कराओ। तो मैं क्यों कहते हैं ये लोग चीप फिल्म बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो मैंने उसी दिन डाना कि सबसे पहले मैं रिस्क लूंगा, अपने बेटे को लॉन्च करूंगा तो भोजपुरी बनाऊंगा और एक साफ सुथरी पिक्चर बनाऊंगा जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े और लोगों को ये लगे भोजपुरी भी तेलुगु तमिल पंजाबी बंगाली का मुकाबला कर सकती है अगर आप साफ सुथरी अच्छी पिक्चर बनाओ। तो मैंने वो रिस्क लिया एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनाने के लिए, अपने बेटे पे रिस्क लिया। आप कोई बड़ा आर्टिस्ट ले सकते थे, ए ग्रेड आर्टिस्ट को ले सकते थे, 3 जो देव कहे जाते हैं भोजपुरी के, उनमें से किसी को नहीं लिया? सर मैं आपको आज खुले बता रहा हूँ कि फिल्म बनाने का एक कारण और भी था कि जैसे लंदन में भोजपुरी अवार्ड थे तो मैं वहाँ पे गया था गोविंदा जी को लेके, तो पवन सिंह से मेरी बात हुई बेटे को पिक्चर लेने की शुरू करने की, तो पवन सिंह जैसे मैं इंडिया वापस आया तो पवन सिंह ने मुझे उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो पवन सिंह ने मेरे घर पे बुलाया, मैं डायरेक्टर के साथ पिक्चर लेके गया, पिक्चर की स्टोरी लेके गया, तो उसने मेरे को अपने कोई प्राइस पूछ की जो भी बात थी, नखरे ऊपर नीचे दिखाए सारी बातें बार्गेनिंग चली, उसने मेरे को एक ऐसी बात बोली जो मेरे को बहुत बुरी लगी, उसने कहा पिक्चर तो कर लूंगा भैया, एक्चुअल में ना पिक्चर में बहुत बड़ा रिस्क है, मैं क्या है कहता नए हीरो के साथ काम करना, तो मैं जो एडवांस लेके आया था उसे उठा लिया, मेरे को उस बंदे की गलती थी जिसने मेरे को लॉन्च किया था, तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैंने पिक्चर बनानी है और उससे बढ़िया तरीके से बना के रिलीज कर लेनी। नहीं सर, मैंने बनानी थी, मैं पवन सिंह के पास गया, पवन सिंह अच्छा स्टार था, फिर मैं किसी और के पास गया नहीं, मैं सोलो मैं खुद ही बनाऊंगा। अच्छा, पवन सिंह ने जब ये बात कही, आपको लगता है कि आगे कोई फिल्म आप पवन सिंह को लेकर बना सकते हैं? देखो मैं फिलहाल तो अपने बेटे को स्टार बनाने में लगा हूँ और मेरे पास कोई और अच्छा लड़का भी आएगा तो उसको भी स्टार बनाऊंगा, पवन सिंह से कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा। आपको लगता है कि पवन सिंह की जगह पर आपका बेटा उस जगह पर ले सकता है? पवन सिंह की जगह मेरा बेटा, मैं पवन सिंह की जगह की बात नहीं, पवन सिंह ने भी तो किसी की जगह ली थी ना कभी जब वो आया था, तो वैसे मेरा बेटा राघव की जगह लेगा। और एक्टर आपने अपने बेटे को कैसे देखा, कैसे उन्होंने काम किया? मैंने की बात छोड़ दीजिए, मैंने से बात की, उसको पहले पूरा ट्रेनिंग कराई और अच्छा उभरता एक्टर है, वक्त के साथ ही वो मैच्योर होगा और जैसे जैसे आप लोगों से मिलेगा तो उसको दुनियादारी की समझ आएगी और वक्त के साथ ही आप लोग गाइड करोगे और अच्छा चलेगा।
अभी तो आपने पहली एक फिल्म की है, एक ही फिल्म आई, रिलीज हुई, अच्छा रिस्पांस है, अब आगे क्या करेंगे? दूसरी फिल्म बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा, मेरी हैदराबाद में स्टार्ट मेरी शूटिंग है अगस्त में और होली पर रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे बाकी लोगों पे, जैसे शिप्रा हो गई या फिर अवधेश मिश्रा हो गए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आपने भोजपुरी में किया, कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर मतलब कोई खास हो जाए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स? नहीं, मैं तो कोई नया पन बनाने की कोशिश करी थी, मैं एक स्टार को लेकर गाना बनाते हैं, आज देखो शादियों में जाते हो तो लोग स्टार आते हैं, तो मैं कहा भोजपुरी में कोई गाना अच्छा बनाया, उसने शादी में स्टार लिए, सब दोस्त थे, मैंने रिक्वेस्ट की तो किसी ने मेरे को मना नहीं किया और बहुत अच्छा गाना बना, बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ। देखो आप पहली फिल्म आपने की भोजपुरी फिल्म करने के बाद अब क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कह सकते हो इस इंडस्ट्री को, आपने अब तो नजदीक से देखा, बताओ निर्माता देखा? सर जिस दिन भोजपुरी वाले प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री भी सारी रीजनल लैंग्वेज के बराबर करेंगे। मतलब आपको लगता है भोजपुरी अनप्रोफेशनल है? बिल्कुल लगता है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। वैसे ऑडियंस अगर कुछ कहना चाहे आप जो लोग, मैं ये चाहूंगा पिक्चर देखिए सिनेमा हॉल में जाके और अपनी जेन्युइन प्रतिक्रिया दे कि आपको कैसी पिक्चर लगी, अगर बुरा भी लगा तो क्या बुरा लगा मुझे बताओ, तो मैं अगली फिल्म में उसको सुधार करूंगा। अनुप जी, हाँ सर, ये सामने जितनी बातें की आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं ना, हम प्रोफेशनल हम इत्तेफाक रखते हैं, और आपने एक सवाल किया था कि क्या आपका लड़का पवन सिंह की जगह लेगा, तो मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपनी जगह हर आदमी खुद बनाता है, पवन सिंह ने भी किसी की जगह नहीं ली, पवन सिंह ने अपनी जगह बनाई, और राघव भी अगर अच्छा काम करेगा तो अपनी जगह बनाएगा कल के दिन, और मैं तो उसमें एक अच्छा कलाकार देख रहा हूं, और पिक्चर बड़ी देखिए साफ सुथरी बनी है, ये जो भोजपुरी पर अश्लीलता का एक हमेशा मोहर लगी रहती है कि बड़ी अश्लील पिक्चरें बनती हैं, आप लोग बैठ के पिक्चर देखिए, मैंने तो पहले दिन 9 से 12 में पिक्चर देखी और बड़ी अच्छी बात ये लगी कि बालकनी में भी मेरे साथ 50 लोग थे, नीचे भी लोग थे, एक नए लड़के और लड़की के साथ पहले दिन आपको नाइट शो में इतने दर्शक मिल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं जहां जहां गया हूं बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही, अभी हम लोग 2-3 थिएटर घूम के आए हैं और भी जाएंगे, तो काम लोगों ने पसंद किया है, पिक्चर निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, रमेश जी ने पूरा सहयोग किया है, शूटिंग के समय पूरे टाइम ये लोकेशन पर मौजूद रहे हैं, और सब कलाकारों ने अच्छा काम किया है, और मेरी दिली तमन्ना है कि ये पिक्चर अच्छी चले और हम लोग साथ में जुड़ के और भी काम करें। एक सवाल ये है, जी सवाल मेरा जी, कि जिस तरह से भैया साहब जैसे लोग जो कि बाहर से आ रहे हैं, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स नहीं है, जो पारंपरिक लोग नहीं है, उनके आने से भोजपुरी सिनेमा कितनी साफ सुथरी होगी और इसका कितना फायदा इंडस्ट्री को मिलेगा? सर मैं उसका जवाब देता हूँ, जी पुराने प्रोड्यूसर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो क्या फंस जाते हैं, हीरो को साइन करते हैं ना, बाद में हीरो नखरे करता है, मेरे तो यही हीरो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, क्यों उन्होंने लिया होता है, मजबूरी में फंस जाते हैं, तो मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरा बेटा उन प्रोड्यूसर का हीरो बनेगा जिसको किसी की दिक्कत ना आए। हाँ जी, यही बात की आपको लगता है किसे बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को? कुछ तो होगा मुझे लगता है, क्योंकि एक जो जाल सा हो गया है कि सब लोगों ने एक थोड़ा ग्रुप बाजी दिखाई देने लगी आजकल इंडस्ट्री में, ये रहेगा तो ये रहेगा तो ये रहेगा, वो नए लोगों के आने से, और जो इतनी हिम्मत करके आ रहे हैं कि मैं इस तरह की फिल्में बनाऊंगा और इनको ही लूंगा, ऐसे काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, साफ सुथरी ही फिल्म बनाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है, भोजपुरी को बहुत फायदा होने वाला है, भोजपुरी अच्छा चलेगी हमारी। ये हमारी घर की फिल्म है अल्फा मचा के गई, रमेश नय्यर जी है, उनका बेटा हीरो है राघव नय्यर, और अपकमिंग स्टार कमाल डांसर है, कमाल लड़का, बहुत कमाल है, मतलब फैमिली मेंबर जैसा, और काम करने में इंटरेस्ट, अच्छा काम किया। आपने कितना हल्का मचाया? मैंने जो मैंने मेहनत की मचा दी, ऑडियंस बोल रही है, आज मेरा वो गाना हिट हो गया अल्फा मचा के गई टाइटल सॉन्ग, और उसके बाद वो हुक्का बुक्का तीन तल्लू का फाइल का 2-3 गाने ऐसे हमारे सुपर डुपर हिट हो गए, ऑडियंस बहुत लाइक कर रही, बस थैंक यू फॉर ऑडियंस। रंजीत जी, अली खान साहब, ऐसे पुराने दोस्त आपके मिले होंगे? मेरे साथ तो मेरा कैरियर शुरू हुआ था, प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत जी, रजा मुराद जी, उस दिन जब शूटिंग पे आया तो सब गले, अरे हमारे पप्पू आजा पप्पू आजा, मतलब एक फैमिली मिल गई थी, और इतना इंजॉय करके काम किया सब लोग ने, सारा एकदम इंजॉय, मतलब कमाल हो गई, और मेरे को ऐसा लगा मेरे सब मेरे सीनियर लोग मेरे साथ मिल गए। विलन को नचाना बड़ा मुश्किल काम होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, तो बहुत विलनों को नचाया, अमजद भाई को नचाया था, अमरीश पुरी जी को नचाया, फिर अवधेश मिश्रा को, भोजपुरी के सारे विलन को, सबको नचाया, मतलब विलन को नचाना भी मुश्किल नहीं? नहीं, कोई नहीं है।
सनी देओल को नचाना ज्यादा मुश्किल रहा? नहीं, सनी को मैंने कितना इज्जत की रोटी, आग का गोला, काफी पिक्चर किया।